हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो सैंडमेयर रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये कैसे हुआ कि ये क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये NaNO2 है। क्या है? NaNO2। ठीक है, इसको देखिए आप लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस साइड भी ऑक्सीजन, यहाँ पे सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी, ये क्या हो जाएगा कि Na पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके पास देखिए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा प्लस Na, ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए HX से करा रहे हैं रिएक्शन ना, अब देखिए क्या है HX। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, जिससे जब ये अटैक करेगा तो ये जो हैलोजन फैमिली है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी। फिर देखिए रिजल्टिंग आपका क्या, कौन सी फिगर मिलेगी, देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल, ये जो ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, OS हो जाएगी, इसके भी पास कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्लस ये X क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये दोनों क्या करेंगे, Na और X नेगेटिव, ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों, ये और ये मिल करके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, NaX फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद फर्दर क्या करते हैं, HX से रिएक्शन कराते हैं, इसी में जब क्या कराएंगे, HX से देखिए, HX से जब ये रिएक्शन करता है, यहाँ पे देखिए OH है, OH क्या करेगा, यहाँ पर जब इस हाइड्रोजन पर रिएक्ट करेगा तो जिससे ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी, तो देखिए क्या जनरेट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड ये देखिए OH क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इस पर 2 लोन पेयर, और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये जो 2 लोन पेयर है इससे बॉन्डिंग करने में शेयर कर दिए, समझे, ये देखिए 2 लोन पेयर था, हाइड्रोजन से जब बॉन्डिंग किया तो ये शेयर कर दिया। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH2 नाइट्रोजन है, ये देखिए ऑक्सीजन क्या, इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ये H2O मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस ये जो वाटर रहेगा, ये वाटर क्या हो जाएगा, वाटर ये निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हैलोजन बची थी, अभी देखिए हैलोजन निकलेगी किसके फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 नेगेटिव चार्ज, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी जब यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो ये यही क्या रहेगी, हैलोजन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या फॉर्म हुआ, ये नाइट्रोसोनियम आयन, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जो ये फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ, देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यही फॉर्म हुआ ना, ये देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, देखिए ये जो 2 लोन पेयर है, ये अगर इससे बॉन्डिंग कर ले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, देखिए ऑक्सीजन 1 2, ये जो 2 लोन पेयर थे बॉन्डिंग कर ले, ये नाइट्रोजन हो गया, इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या रेसोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन, क्या इसको आप लोग बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, समझ में आया इतना। सबसे पहले क्या हुआ, देखिए जो NaNO2 है ये ब्रेक डाउन हुआ, क्यों, ये Na क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आएगी, एज ये देखिए फिगर आया। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, फिर HX से रिएक्शन कराते हैं, जो ऑक्सीजन इस पर रिएक्ट करती है तो हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी, फिर फॉर्मेशन देखिए क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर होगा, और ये जो हैलोजन इससे क्या कर लेगी, बॉन्ड बना करके NaX फॉर्म कर लेगी। ठीक है, फिर देखिए क्या है, यहाँ पे जो OH है फर्दर क्या करते हैं, HX से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, फिर से हाइड्रोजन पर अगर करेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखिए क्या, ये फॉर्म हुआ, अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, ये अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करा लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। फिर इसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर मिली,
फिर अब देखिए ये क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। ये देखिए अगर इसका रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे, इसको आप लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जो ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करके बॉन्ड पेयर कर लेगा, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज ये चला जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप लोग समझे ना नाइट्रोसोनियम आयन कैसे फॉर्म हुआ। ओके चलिए देखिए इतना समझ में आ गया। ये देखिए नाइट्रोसोनियम आयन था, इसको इरेज कर दें। हाँ देखिए अब क्या है, जो एनिलीन है, एनिलीन किस पे रिएक्ट करेगी, नाइट्रोसोनियम आयन था, ठीक है। जो ये देखिए क्या है, एनिलीन है, समझ रही है क्या है, NH2 है, किस पर रिएक्ट करेगी, ये देखिए N है, N पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है ऑक्सीजन, यही तो स्ट्रक्चर अभी आपने बनाया था। देखिए क्या है, इस पे क्या थे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब देखिए ये जो ये है नाइट्रोजन है, ठीक है, इस पे दो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस पर क्या करेंगे आप लोग, ये रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो देखिए जो रिजल्टिंग आएगी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखिए रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगी आपकी, ये देखिए नाइट्रोजन है, बेंजीन, ये देखिए नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, इससे लिंक हो रहा है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या करेगा, जब इससे होगा तो ये क्या कर देगा, ये बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, इसकी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, जिससे यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा, अब इस पे देखिए कितना हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे देखिए क्या है, अब कितने बॉन्ड थे, वन टू थ्री फोर, फोर से है, इट मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर दी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया ना इतना। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, कोई इसके बाद कोई कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अब इस पे ऑक्सीजन पर करेगा, नाइट्रोजन पर करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल है ये देखिए इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए H2O, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, समझ रहे हैं। देखिए क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है जब इस पर अटैक करेगा तो ये क्या कर लेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक करा करके ये अपना यहाँ पे चलाएगा, और तो देखिए क्या हो जाएगा, कितना समझ, जब H2O क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन पर रिएक्ट कर रहा है, तो ये नाइट्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आ रही है, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जा रही है आपकी। देखिए ये क्या है, नाइट्रोजन है, इस पे वन हाइड्रोजन है, एंड ये देखिए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला है, ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म हुआ, इस पे देखिए दो लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज ये चला जाएगा, इस पे भी टू लोन पेयर है। अब देखिए क्या, H3O पॉजिटिव, H3O इस पे टू इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना, आपने क्या देखा था, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ था H3O पॉजिटिव का। अब देखिए ये कहां पर रिएक्ट करेगा, जो हाइड्रोनियम आयन है क्या है, H3O पॉजिटिव है ना, तो ये क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, देख रहे हैं इसको आप लोग ऐसे करके, जो H3O है इसको आप लोग ऐसे भी राइट करते हैं, H OH2 वन लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, इस पर रिएक्ट कर देगा, ठीक है। इस पर जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करा देगा, ठीक है। फर्दर देखिए आपकी स्ट्रक्चर कैसी मिल जाएगी, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन टू लोन पेयर, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड, ये ओ है, एंड ये क्या हो जाएगा, एच यहाँ पे ये अटैच्ड हो रहा, इस पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसी को आप राइट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिए ड्रा करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका, अब देखिए इस पर क्या है,
इस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसकी देखिए मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसे ड्रा हो जाएगी, इसकी और इसकी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सपोज करिए ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ले करके इसकी देखिए वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, समझ रहे हैं। फिर देखिए ये इस पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये लोन पेयर क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, वही देखिए मैं रेसोनेंस में शो कर रहा हूँ। देखिए कैसे आ रहा है ये रेसोनेंस स्ट्रक्चर, ये देखिए क्या है नाइट्रोजन, इस पर क्या है वन हाइड्रोजन लगी हुई है। अब देखिए यही मैं बताया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन, इस पर क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ओ है, ये एच है, इस पर फोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फर्दर देखिए ये आ जाएंगे, ये क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, ठीक है। ये देखिए फोर इलेक्ट्रॉन्स इसका आ गया, इस पर टू लोन पेयर, बट इसके पास क्या हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग कर दिया, ठीक है। ये दोनों देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसी की, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगी स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं, इतना समझ में आया ना। फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, हाँ फिर देखिए कोई क्या करेगा, सपोज करिए यहाँ पे ये इतना समझ में आया, फिर देखिए H2O, ये जो H2O क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब देखिए ये रिएक्ट करेगा तो उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो लेकर के चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन है यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या अनस्टेबल, ये क्या करेगा अपना बॉन्ड यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको इसके साथ दे देगा, जो हाइड्रोजन है वो उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके इसके बाद देखिए कौन से स्ट्रक्चर बन रही है, ये देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब ये चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, एंड इस पे देखिए डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये OH ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी देखिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर फॉर्म हुई। अब देखिए फर्दर क्या हुआ यहाँ पे, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इतना आ गया। फिर देखिए इसके बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ था, हाँ एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया राइट करने को, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए H3O पॉजिटिव भी इसके साथ फॉर्म होगा, देखिए क्या हुआ H3O पॉजिटिव, क्या हुआ H3O पॉजिटिव फॉर्म हुआ। फिर देखिए ये जो है अल्कोहल, यहाँ पे जो OH है, ये क्या करेगा इसी पॉजिटिव पर क्या कर देगा, हाइड्रोजन पर अटैच कर देगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे राइट कर दे रहा हूँ, देखिए ये क्या है OH2 है, इस पर देखिए एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये OH2 है, इस पर क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है, जब इस पर क्या कर रहा है वो OH अटैक कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, और ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगी, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये आपकी यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2, ये देखिए क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये H2O अपना ये निकल जा रहा है, ये जो H2O है ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा, इस पर देखिए कितना है, ये भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन, ये क्या करेगा अपना बॉन्ड ब्रेक करा लेगा, अनस्टेबल ऑक्सीजन, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, और फिर देखिए फर्दर ये H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर देखिए कौन सी स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होती है, ये देखिए आपकी ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, ये नाइट्रोजन, इस पे टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन टू लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, ये फॉर्म हुआ, प्लस ये क्या करेगा फर्दर यहाँ पे H2O ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसी की रेजोनेटिंग में अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए ड्रा कर दें, इसको कैसे आप लोग देखिए राइट कर सकते हैं, इसको ये देखिए N है, अगर ये देखिए दो लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये शेयर करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है चला जाएगी, ये दो क्या कर लेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा इसके बीच में, ठीक है। जो लोन पेयर है बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, यही क्या कर देगा यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए ये नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये अपना क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को इससे बॉन्डिंग में कर दे रहा है, ठीक है।
ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए पहले क्या हुआ, जो एनिलीन थी उससे क्या हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट हो रहा था, तो क्या फॉर्म हो रहा था जब कर रहा था, तो ये देखिए क्या हुआ, जब ये इस पर करेगा तो ये देखिए बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, बट ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन पर देखिए क्या हो जा रहा है, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आ रही है, ठीक है। क्यों जो नाइट्रोजन लेगी, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है, तो इसको आउट कर देगी इसके साथ। फर्दर देखिए ये क्या हो गया, इस पर आया स्ट्रक्चर ये बनी, फिर ऐसे देखिए ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पर रिएक्ट कर रहा है H3O पॉजिटिव, ठीक है। फिर देखिए क्या फॉर्म हो जा रहा है, फिर से ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास ले लेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन अनस्टेबल है, क्या करेगी ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी। जब ये आप इस पर रिएक्शन करेंगे तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे ये रेजल्टिंग स्ट्रक्चर आपके फॉर्म हो जाएगी। फिर देखिए इसी की मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ड्रा कर दिया, ठीक है, सेम इसी का है, ठीक है। ये देखिए क्या, यहाँ से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये फर्दर ये बॉन्ड बना लेगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी जो पूरी हो जाएगी, बट इसकी क्या हो जाएगी, डिफिशियंट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद जब H2O इस पर रिएक्ट कर रहा है, जब H2O क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन पर रिएक्ट करेगा, तो तुरंत ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा, ठीक है, इतना समझ गए। फिर देखिए क्या होगा, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन लेकर के चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे OH नेगेटिव क्या था, इसके बाद नेक्स्ट में क्या करेगा, इस पर रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर आ गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट टाइम फर्दर देखिए ये क्या है, ये अनस्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा और ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे फिर फर्दर यहाँ पे जो दो लोन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन, ये क्या कर लेगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिस पर जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ड्रा हो गई थी, ठीक है ना, बेंजीन की, ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ अब देखिए क्या है, इतना समझ में आ गया, इसको इरेज कर रहे हैं हम। हाँ देखिए यहाँ तक, तो यहाँ पे पहले मैं इससे एक यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पर आप लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, नाइट्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें दो लोन पेयर थे, इस पर पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। और मैं एक चीज यहाँ पे बताया था, पहले क्या था, एक हैलोजन ग्रुप यहाँ पे जब HX से रिएक्शन हुआ था, वो क्या थी, वो बची हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब CuX से करेगा, ठीक है, देखिए क्या है, ये CuX है, ठीक है, इस पे जो X एक और थी, एक आपका जो X पहले बचा हुआ था, वो क्या करेगा, जो CuX है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसी से क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या फॉर्म कर देगा, देखिए जब इससे जब ये CuX रिएक्ट करेगा, तो पहले मैं इसी का बता दे रहा हूँ। देखिए पहले ये है क्या, ये Cu है, ये X है, तो आपका जो ये हाइड्रोजन हैलाइड में एक हैलोजन बची हुई थी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसी से क्या कर जाएगी, रिएक्शन कर जाएगी, ठीक है। तो इसकी देखिए स्टेट क्या है, इसकी अभी स्टेट है +1, ठीक है, +1 है। जब ये इस पर क्या करेगा, ये इससे अटैच कर जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये देखिए फॉर्मेशन कर देगा एक्स सी यू एक्स, ठीक है, इसकी स्टेट कितना होगी, +2 हो गई, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब देखिए सेम यही देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, N2 है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहीं पर बता दे रहा हूँ, ये देखिए क्या Cu है, ये देखिए X है, इस साइड भी X है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन करा दीजिए, ठीक है, इसको देखिए, इसका जब क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, X Cu, ये फ्री रेडिकल में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ये फर्दर ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, X, ये फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल हो रहा, तो फ्री रेडिकल ही फॉर्म होगा, ठीक है ना। फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कंप्लीट कर लिया, बट इसका हो रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज, यही जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ये जो ट्रांसफर, जो फ्री रेडिकल पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये इस नाइट्रोजन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। जब ये ट्रांसफर देखिए कर रहा है, तो इसके बाद कौन सी फिगर आ रही है, हाँ देखिए क्या करेगा, जब वो फॉर्म किया, तो यहाँ पे आपका ये क्या फॉर्म हो गया, N हो गया,
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, ये इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये एन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये एन ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्दर क्या करेगा, ये जो है अब स्टेबल हो गया, क्या करेगा ये अपना बॉन्ड क्या कर लेगा, ये फ्री रेडिकल आया था, ठीक है। तो जब ये फ्री रेडिकल मिला, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ये भी आ जाएगा। फर्दर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये बेंजीन फ्री रेडिकल प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये बेंजीन फ्री रेडिकल, ये बेंजीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा प्लस ये नाइट्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए क्या, ये जो फ्री रेडिकल था ये क्या कर लेगा, यहीं पर आकर के इससे अटैच कर देगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये देखिए क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या देखे थे, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो ये हेलोजन एक बची हुई थी, तो ये क्या हुई, जो कॉपर हैलाइड थी उसका ऑक्सीडेशन वन था, इससे रिएक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट टू हो गया। फर्दर देखिए इसमें क्या हो रहा है, होमोलिटिक हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होंगे। फ्री रेडिकल में क्या होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पर क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजन को वो उसको दे रहा है, जब नाइट्रोजन को देगा देखिए तो क्या हो जाएगा, वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, बेंजीन फ्री रेडिकल, ये क्या है, बेंजीन फ्री रेडिकल, ठीक है। फर्दर देखिए क्या, आपका ये जो आप फॉर्म कर रहे थे क्या था, ये क्लोरोबेंजीन ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।